फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में क्या नाम है आपका? उमंग। उमंग जी हैं, उमंग 33 इयर्स के हैं। उमंग जी के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी, इनको रात को सोते समय भी बैक में पेन था, टांगों में पेन था, और ये लॉकडाउन से पहले से चल रहा था। उमंग जी एक एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, और हमने दो चीज़ इनकी असेस की। एक तो इनका बैक पेन हो सकता है पाँव की वजह से भी हो, इनको सीवियर प्रोनेशन है, और दूसरी चीज़ लॉयर्स को सब जानते हैं कि ये कितना 8 घंटा 10 घंटे बैठते हो, कितना बैठते हो? मिनिमम आठ घंटे बैठते हैं और इतनी किताबें पढ़ते हैं। हम सोचते थे हमने ही पढ़ाई की है, लेकिन हम कॉलेज में ही पढ़ते थे, अब आजकल तो इंटरनेट पे पढ़ते हैं। ये लोग आज भी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स पढ़ते रहते हैं, और हम एक चीज़ देखना चाहते हैं। हमने कपिंग तो कर ली है इनकी। ओके उमंग जी, एक चीज़ और क्लियर कट, आपके जैसे पाँव में कर्व थे ना, उसी तरह से बैक में भी कर्व होता है ना, तो बैक का कर्व काफ़ी रिड्यूस हो चुका है बैठने की वजह से। हम देखते हैं सिटिंग पोस्चर में ये बैक कर्वेचर काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। अच्छा। जो लोग प्रोलॉन्ग बैठते हैं तो बैक कर्वेचर रिड्यूस होने की वजह से ये साइड से ना और बाहर निकलने लग जाती है। Okay. आपको बैक चौड़ी नज़र आने लग जाती है, तो उसको स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन बोलते हैं। और मैं ज़रा देख लूँ कहीं स्वेलिंग है, इसको मैं माइल्ड स्वेलिंग बोलूँगा, वो भी लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी है बट उस राइट साइड में भी है बट लेफ्ट से कम है, लेफ्ट में ज़्यादा स्वेलिंग है। और ये जब ये खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, तो मैंने देखा था ये एक तरफ टिल्ट करते हैं, उस टिल्ट की वजह से ही बैक पे सारा प्रेशर आ रहा है। मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये ठीक नहीं होंगे, बट ये भी फील कर सकता हूँ कि इनकी ये दो SI जॉइंट्स हैं, ये काफ़ी स्टिफ हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं, और उसी तरह से टेक्सचर और जॉइंट्स जो मैं फील करके बता सकता हूँ पैल्पेट करके, काफ़ी स्टिफ जा रहे हैं। अब मैं हील्स को देखूँ। ओके, ये आपकी वेट बेयरिंग में तो प्रेशर इशू नहीं? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इसकी वजह से कहीं आप गलत चल रहे हो? नहीं, अब वीडियो में तो ये नज़र नहीं आएगा, बट मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, ये जो पाँव है इसकी स्किन पतली है कंपेयर टू इस साइड की स्किन। ये डिफरेंस आप रिंकल्स को देख के समझ सकते हैं, तो समझ लीजिएगा ये राइट की स्किन थोड़ी सी मोटी है। ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि ये लेफ्ट लेग पे ज़्यादा वेट डालते हैं कंपेयर टू दी राइट, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आप वेट उसकी वजह से भी गलत डाल रहे हैं। सो यही सारे मेजर रीजन है। इजी, अब मैं इनका एडजस्टमेंट कर रहा हूँ विदाउट। ओह नाइस नाइस नाइस, टर्न कर लो मन मेरी तरफ, रिलैक्स, पीछे जाएंगे, इजी विदाउट। ओके, अदर साइड, आई विश और ज्यादा खुलता बट वी विल ट्राई एंड इम्प्रूव इट इन कमिंग सेशंस। इजी विदाउट, दिस इज ओपनड अप, लेट मी सी इफ द एंकल आल्सो टाइट, फाइन, एंकल्स आर फाइन, नाउ लेट्स सी द नीज आल्सो फाइन। इन नीज में बहुत कंप्लेन कर रहे थे जी सर, और मैं नीज को फील कर सकता हूँ। नीज में पटेला पूरी तरह से फ्रीली मूव कर रहा है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अब इनके हाथ भी पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं ये क्या है। इजी रिलैक्स, इजी, आ जाइए इस साइड, बेटर खुला है क्योंकि जिस तरह वेट कम डालते हो इधर वेट ज्यादा डालते हो। राइट सर, अब ये नेक जा रही है इनकी। अब व्यूअर्स को बता दो कैसा फील कर रहे हो? अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हमारा काम पसंद आता है, और आप सब तो देखते हैं, और हमारे पेशेंट्स आके इसी वीडियो को देख के आप वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइब द चैनल।